हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस वीडियो इज अबाउट DSSP स्टैटिस्टिकल असिस्टिंग। तो ये वीडियो है आपके रिजल्ट अपडेट के रिगार्डिंग। तो मेरे पास एक मेल आया हुआ है जिसमें मैसेज आया है कि जो आपका पोस्ट 2023 में आया था वाली पोस्ट का ईडोजियर स्टार्ट हो गया, उसका रिजल्ट आ गया है। तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अब उनका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो उसने बोला है कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। मैंने बोला था मे लास्ट या जून आपका प्रोविजनल रिजल्ट आंसर की आएगी, देन फाइनल आंसर की आएगी। तो अब आपका रिजल्ट भी इस मंथ के लास्ट या फिर जून तक आ जाएगा। देन उसके बाद क्या होता है, ई डोजवेयर आता है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी होते हैं, ठीक है। उसके लिए भी वो उन्हीं के लिए खुलेगा जो कि क्वालिफाई हो जाएंगे, कट ऑफ क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको मैंने शायद डेटा दिखाया था लास्ट ईयर क्या हुआ था। उन लोगों ने मेंशन किया था कौन कौन से लोग स्टूडेंट्स थे जिनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया था क्योंकि वो एलिजिबल नहीं थे। तो उस चीज़ के लिए ध्यान रखें, प्लस अपना एडमिट कार्ड जो आपका था जो आप सेंटर पे लेकर गए थे वो आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी फोटोकॉपी भी अपलोड होती है। क्योंकि वो थंब है जो आपका राइट एंड लेफ्ट जो भी आपने वहाँ थंब लगाया था वो मैच करते हैं कि आप वही थे जो देने गए थे एग्ज़ाम। तो इसलिए आपका एडमिट कार्ड ज़रूरी है। और अगर अभी किसी ने नहीं मिला है तो उसे ढूंढ लें अपने एडमिट कार्ड को, क्योंकि किसी का मैसेज आया था जिसका एडमिट कार्ड सेंटर पर खो गया था। तो एक बार सेंटर पर जाके उन्होंने चेक किया है नहीं पता नहीं, मगर अपना एडमिट कार्ड ध्यान से रखना है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं इनके एडमिट कार्ड के रीज़न की वजह से भी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। प्लस अब एलिजिबल क्राइटेरिया चेक होगा कि कौन एलिजिबल है। तो वैसे तो सब वही वाले बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है जो कि एलिजिबल है। मे बी कुछ हो सकते हैं जिनका इधर उधर कुछ स्टैट्स के जो सब्जेक्ट था, अगर जब कॉमर्स वाले उसमें अप्लाई करने जाते थे तो उसमें आता था ना कि उन्होंने बिजनेस स्टैट्स या फिर ऑपरेशनल रिसर्च कुछ पढ़ा हो, तो वो एक इशू है कि अगर किसी ने नहीं ढंग से देखा तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज तो नहीं होगी प्रॉब्लम। और एक बार ये ई डोजियर वाला प्रोसेस हो जाए तो हमें पता भी चल जाएगा कि कौन एलिजिबल होते हैं, कॉमर्स के हों चाहे वो मैथ्स स्टैटिस्टिक्स और उसके अलावा जो साइंस के होते हैं जिन्होंने काफ़ी MBA किया हुआ है, MBA में ऑपरेशनल रिसर्च पढ़े हैं, तो वो सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी अब, ठीक है। तो ध्यान से अपने डॉक्यूमेंट्स डालें, जितना जैसे जो भी चीज़ें मांगी हैं उसमें क्या होता है, जो आप अपना OARS वाला लिंक जिस पे साइन इन करते हैं, जब उसे साइन इन करेंगे तो उसमें एक ऊपर ही आपका एक आ जाता है ई डोजियर करके, जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होते हैं। तो वो वाला प्रोसेस हो जाएगा। देन उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट, फाइनल कट ऑफ भी एक और बन के आती है। एक पहले आएगी प्रोविजनल कट ऑफ जिसमें जब ई डोजियर के डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, उसके बाद एक फाइनल कट ऑफ आके देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग इसमें यह है कि एक मंथ, अराउंड 1 मंथ आपका लगेगा इस चीज़ में भी। और रिजल्ट है कि आपका मे लास्ट एंड जून स्टार्टिंग इस तक आप अभी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, अपना इसके अलावा भी तैयारी करते रहिए, ठीक है। मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाई है, अब हम रेगुलर वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स जिन्होंने PGDE कॉमर्स का एग्जाम का फॉर्म फिल किया होगा, मैनेजर का फॉर्म फिल किया होगा, अकाउंटेंट का, एंड फॉर JSO AA और स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की 2 पोस्ट थी। तो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने इसके लिए भी अभी भी अप्लाई किया है, तो वो सब अपनी तैयारी करते रहिए। अब तो एग्जाम्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे, एक बार ये रिजल्ट आ जाए ना, उसके बाद आपको पता है अपना जून जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे आपके एग्जाम्स चलते रहेंगे, ठीक है। तो DSSP की जो फर्दर पोस्ट आई है उनके भी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो उनकी भी प्रिपरेशन करते रहिएगा। अपना पेपर 1 अच्छा स्ट्रांग रखें, पेपर 1 स्ट्रांग होता है तभी हम दूसरा अपना B पार्ट अच्छे से, और कट ऑफ हाई हो जाती है, ठीक है ना। तो बच्चों की कट ऑफ की जो मार्क्स हैं, अगर उनका स्टैट्स थोड़ा भी वीक है मगर उन्होंने अगर 40% क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया है, उसके बाद वो अपनी कट ऑफ हाई कर लेते हैं अपने पार्ट ए से, है ना। तो इसलिए है कि अपने पार्ट ए पे भी फोकस करें। अगर जिन्होंने दोबारा फॉर्म फिल किया है उस 2 पोस्ट के लिए, तो इस बार अपना पार्ट 1 बहुत स्ट्रांग करके जाएं और स्टैट्स में ट्राई करो कि 40 तो आपको क्लियर करना ही करना है। उसके बाद अगर आप 50 या 60% कर गए, 45-50 भी कर गए और वहाँ पे आपने पेपर 1 अच्छे से स्ट्रांग अपना कर लिया, तो आपकी कट ऑफ अच्छी हो जाती है, आपके मार्क्स अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। तो अब बाय बाय टाटा, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। सी यू सून गाइज़।